ये मैं आप लोग के सामने ही खोल रही हूँ इसे, और ये कैसा है, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है ज्योति विजुअल ब्लॉग। तो गाइस, मेरा एक कोरियर आया है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सामान, जैसे सामान घर में इधर उधर पड़ा रहता है तो उसको स्टोर करने के लिए वो चीज़ मैंने मंगाई है। तो ये मैंने मीशो से परचेज की है और बहुत ही, तो गाइस बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। जैसे कि आप लोग के घर में सामान इधर उधर पड़ा रहता है और कुछ रखने के लिए नहीं मिलता है, घर में जगह कम होती है, जैसे उस पर्पज से भी ये है। तो मैंने इसलिए मंगाया है ये, क्योंकि मेरे बच्चों के जो टॉयस होते हैं ना, इधर से उधर पड़े रहते हैं। मैंने कंडे जैसे मंगाए थे तो उसमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो सो के तौर पर भी ये अच्छा है। और आपको, आप ही मंगाइए, विजिट कीजिए, इसमें बहुत अच्छा था। तो मैं मंगाया है तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस, ये वो चीज़ है, देखिए इतने बड़े बॉक्स में आए हैं, पूरा पैक होके आया है ये मैं आप लोग के सामने ही खोल रही हूँ इसे, और ये कैसा है ये मैं देखती हूँ। तो मैं इसको खोलती हूँ पहले। गाइस, मैंने कैमरा ना स्टैंड में लगाया था और ये मेरा बेटा ना नीचे से उसको हिला रहा है, तो कैमरा ना पूरा हिल जा रहा है। तो मैं इसको कहीं और इसका सेटअप करती हूँ, तो फिर आपको ये दिखाती हूँ। गाइस, ऐसा कुछ आया है इसको, और ये डिब्बा हो गया है खाली। बहुत काम आने वाली चीज लग रही है और बहुत बड़े इसमें बॉक्स पैक। तो गाइस, इसमें ना बहुत बड़े बॉक्स पैक के हैं ये, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, बच्चों के टॉयज़ या अपना कुछ भी, किचन में भी रख सकते हो, किचन के भी कुछ सामान आ जाएगा इस पर। और मैं तो मेकअप किट के लिए भी बना सकती हूँ इसे, कि थोड़ा मेरा मेकअप का सामान ये ज़्यादा पड़ा रहता है ना, तो इसमें काम आने वाला चीज़ है ये मैंने। इतने बड़े इसके बॉक्स हैं गाइस। मैंने इसको मल्टी कलर में मंगाया है, आप देख सकते हैं मल्टी कलर है इसमें सारे, ब्लू, पिंक, रेड, येलो, ब्लू, सब कलर है इसमें। तो इसको जोड़ना भी पड़ेगा मुझे ये ऐसे, इसके जो पार्ट्स हैं मुझे जोड़ने पड़ेंगे। और भी मुझे काफ़ी कैसे ये होता है। तो गाइस, ये पार्ट्स हैं इसके और इसको मैं अब असेंबल करके दिखाऊंगी आपको, इसको कैसे ज्वाइन करते हैं, असेंबल करूंगी इसको मैं। और ये इसके पार्ट्स हैं, ये चार ये छोटे से बॉक्स दिए हैं, तो इसको इसमें ऐसे करके लगाना है, ये देखिएगा। ये हो गया सबसे नीचे का पार्ट्स,
और ये जो चार हैं इनको ऐसे, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत आसान है गाइस इसको ऐसे करके। इसको ऐसे असेंबल करते जाएंगे हम और इनको ऐसे लगाते जाएंगे। चलो पहले मैं असेंबल कर लेती हूँ पहले, उसके बाद बॉक्स रखूंगी इस पे। गाइस ये देखिए मैंने बॉक्स रख दिए हैं इसमें ऐसे करके। ऊपर से और करना है मैंने इसे, ये जो बिन है इसकी चौड़ाई लंबाई और गहराई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसमें आप बहुत सामान स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने अपने बच्चों के टॉयस के पर्पज से बनाया मंगाया था, लेकिन बहुत ही यूज़फुल चीज़ है गाइस, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ये। तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी एक बार जाइए मीशो पे, विजिट कीजिए। अगर आप रेंट पे रहते हैं या आपके घर में थोड़ा कम स्पेस है तो उस पर्पज से ही बहुत अच्छा है, ज़्यादा आपका घर का स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा और सामान का स्टोर भी बहुत ज़्यादा इस पर रहेगा। लंबाई इसकी है और चौड़ाई थोड़ा कम है इसकी, लेकिन बिन इसके बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा असेंबल कर लिया है, तो आपको मैं दिखाती हूँ। गाइज ये देखिए मैंने पूरा असेंबल कर लिया है इसे, तो गाइज आप देख सकते हैं मल्टी कलर का ये मैंने मंगाया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है, स्पेस भी आपका कम लेगा ये। गाइज ये मैंने ना अभी बेड के ऊपर रखा हुआ है, तब आपको इतना ऊपर लग रहा होगा, लेकिन ये इतना ऊपर नहीं है, इसको मैं नीचे रख के दिखाती हूँ आपको। गाइज ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, अभी मैं इसको अरेंज करूँगी कि इसको कहाँ पे रखना है। इसको मैं अभी लेकर जाती हूँ और बहुत ही हल्का है, अच्छा है। गाइस जो मेरे बच्चों के टॉयज़ बिखरे रहते थे ना, वो देखिए मैंने ऐसे रखती थी तो वो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता था, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता था और रखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है ये।
और ये देखिए इसके टॉयज़। अब ये मैं टॉयज़ इसके इस बिन में डालूँगी। आप देख सकते हैं गाइज अभी भी कितना स्पेस बचा है इसमें। गाइज ये देखिए मैंने अपने मोनी के टॉयज रख दिए हैं इस पर, अभी नीचे पे भी रखूँगी। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी ऐसी नई नई वीडियो आपको देखने को मिले, और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो। मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।